नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। भिखारी ने भी लगाए जवा SI गीतांजलि सिंह पर लूटने का आरोप, मानवता हुई शर्मसार, भिखारी को बनाया गया आरोपी, जिम्मेदार अधिकारी मौन। पूरा मामला जवा थाना अंतर्गत बेलगवां गांव का है, जहां पर दिनांक 30 अगस्त 2023 को पूर्व जवा थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह के निर्देशन में जुए की फड़ लगने की जानकारी पर सुबह करीब 9 बजे के आसपास सिविल ड्रेस में जवा पुलिस को भेजा गया, लेकिन वहां पर कोई जुआड़ी नहीं मिला तो गांव के मंदिर के चबूतरे पर बैठे बुद्ध भिखारी राम शिरोमणि उम्र लगभग 80 वर्ष से वसूलीवाद सिपाही डराने धमकाने लगे, जो प्रयागराज हनुमान मंदिर के सामने भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता है। इस वक्त बेटी और बच्चों के लिए रक्षाबंधन त्योहार पर कपड़े एवं अन्य चीजों को खरीदने के लिए थैली में पैसा लिए हुए था, तब उस भिखारी से भी उसके जेब से 13,000 रुपए छीन लिए और मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। ऐसा पीड़ित ने SI गीतांजलि सिंह के ऊपर आरोप लगाया है। जी, अब क्या नाम आपका? राम शिरोमणि। किस गांव से हैं? बिलगमा के। क्या हादसा हुआ आपके साथ? हमारे साथ सर ऐसा हुआ कि लोग बाहर जुआ खेलते थे, तो अपने में आपस में बात विवाद हुई तो हल्ला मचाने लगे, तो हमने सोचा, घर में थे तो हमने सोचा कि हमारे लड़के तो नहीं गए, तो हमने देखने गए थे तो हमारे लड़के नहीं रहे थे, तो हमने खाली कुर्ता भी पहले से हम एक एक रुपया कमा करके भीख मांगते, इलाहाबाद में कुल ग्रुप हमारे पास है, तो हम वहाँ कहते थे कि हम तम्बाकू खाते हम बैठे थे, तो सबको ला के यहाँ हाजिर कर दिए हैं, और दूसरे के कहे माँ तो उन्हें हमका नंगी झोली लेके हमारा पैसा 13,000 रुपये हमने लिए थे, तो हमने उन्होंने पूछा कि तुम उठो, तो हम कहें काहे के उठी, तो कही कि तुम उठो, माल तुम्हारे पास है, तो हम कहें माल तो हम ले हैं, हम कमाए के लिए हैं, हम माँ काल रक्षाबंधन बहनी बिटिया यहीं बर विदाई देव और ना कपड़ा खरीदा अपने लड़कन बच्चन का खाप खर्ची हम पेट चलाए थे एक एक रुपया मांग के, और हम कुल न बुढ़िया के ध्यान न लड़कन का ध्यान अपन पैसा हम कुल ले हैं, तो बोले कि लाओ निकाल देखी, तो लड़के हाथे माँ गिनीन अगिन के पैसा रख लीन, बोले कि तुम घबराओ नहीं तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, यहाँ अपने आगे केहू से बयान नहीं ली, हियाँ अपने आगे वो कहें के मुकदमा कायम हो गया है, और तुम भी जुआ खेलते थे और तुम्हारो ये पैसा जब्ती में हो गया है, न्यायालय में होगा। इतना ही नहीं, उसी स्थान पर टेंट के व्यापारी शिवदयाल जायसवाल निवासी बकरवाल अपने ट्रक ड्राइवर को बुलाने के लिए गया हुआ था, तो SI गीतांजलि सिंह का ड्राइवर विपिन सिंह, जिसके ऊपर पहले से जवा थाने में दबंगई करने के आरोप में आवेदन दिया गया है, जिसे उसी थाने में ड्राइवर बना कर रखा गया है, उसी चुनावी रंजिश को लेकर टेंट व्यापारी को दौड़ाकर 7 फीट गहरे पानी भरे नहर में धक्का देकर गिरा दिया गया और उसके पास रखे 50,000 रुपए छीन लिए गए तथा रुपए लौटाने के एवज में और ड्राइवर के द्वारा 5,000 रुपए लिया गया। गीतांजलि सिंह ने मंगवाया है, इसके बाद पुनः टेंट व्यापारी के भाई से अगले दिन 500 की मांग की जा रही है, ऐसा टेंट व्यापारी ने आरोप लगाया है, जिसमें वह कायदे उन सिपाहियों के नाम भी बताए जो इस कृत्य में लिप्त थे। आरोपी की हकीकत क्या है ये तो सही जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। जो आपके साथ घटना हुई है, हाँ, जो आपके साथ पैसे की छीना झपटी हुई है, हाँ, तो उस समय जो पुलिस वाले थे, कहते हैं आप सिविल ड्रेस में, हाँ, तो उनको आप क्या पहचानते हैं? मनोज ककुमा यादव को चिन्हता हूँ, सूरज ककुमा घर बार को चिन्हता हूँ, और जो एक TI का गाड़ी चलाता है तो विपिन को जानता हूँ। हाँ, पहचानते हैं, हाँ, पहचान भी जाएंगे। ये लोग सब सिविल ड्रेस, हाँ, सिविल ड्रेस में पूरे रहे, कोई नहीं रहे। कितने बजे की है ये घटना? हुई 9 बजे के टाइम में भाई है, 9 बजे सुबह, हाँ, सुबह के 9 बजे के टाइम में, 9 बजे सुबह, हाँ, इलाहाबाद जा रहे थे, तो हमारा भाई ककुमा हुआ ड्राइवर कलिंजर को बुलाने चला गया, तो आया, हम लगाने के लेट हो गया, तो नहीं ककुमा आ पास, हम चले गए थे, इतने पुलिस वाले ककुमा पहुंच करके, तो हम ककुमा देखे थे, हम लगा के अपना दहने बाएं हो जाएं, तो हमको ये
विपिन ड्राइवर जो उनका गाड़ी चलाता है टीआई का, तो ककमो हमको चहट ले आइए, तो हमको ले जाके नहर में झोंक दिया, फिर नहर में आपने कूद करके हमको ककमो वहाँ पाटपुंड आँच के कालर पकड़ के ऐंच ले आया, फिर एक बात हमारा 50,000 रुपया ले लिया, कहे कि हम चलो तुमको छोड़वा दे रहे हैं, फिर कहे बोले लगा कि मैडम 5,000 रुपया मांग रही है, तुमको हम छोड़ देते हैं, फिर हमका ककमो छोड़ दिए थे, हमसे 5,000 रुपया ले लिए थे, कहे फिर हमारा कौन मैडम 5,000 रुपया मंगा रही है, कहीं ना कहीं वो टीआई मैडम हाँ मैडम का नाम जानते हैं, गीतांजलि नाम है, हाँ नाम है, तो बोली ककमा कि हम दे ककमा 5,000 रुपया दे दिए तो हमको ककमा छोड़ दिए, कहीं फिर तुम्हारा पैसा हम आते हैं तो लौटा देते हैं, फिर हमारा पैसा नहीं दिया आज तक नहीं दे रहे हैं, तो हम मांग रहे हैं, अब काल वो हम काल मिले थे तो ककमा हमारे भाई से और 500 रुपया और एक्स्ट्रा मांग रहा है, 500 रुपया और दे दो हमको, कौन मांग रहा था पैसा, ये ककमा विपिन ड्राइवर है टीआई के, टीआई मैडम गाड़ी चलाते हैं, हाँ विपिन वो आपसे पैसा, हाँ पैसा काल मांगता था 500 रुपया और मांगता था, इस तरह हमारा 50,000 रुपया नहीं दे रहा है, फिर भी लगातार थाना एसआई गीतांजलि सिंह के ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सवाल यही है कि आखिर कब तक वे जवा थाना क्षेत्र के पीड़ितों, व्यापारियों, आम जनमानस को ऐसे अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने वाली, लूटपाट करने वाली महिला एसआई से मुक्ति मिलेगी। आप अपना परिचय दें और हमें ये जानकारी दें कि जैसे विगत कुछ दिनों पहले एक जवा थाने परिसर में एक पत्रकार के साथ अभद्रता, फिर उसके साथ एक पीड़ित के साथ अभद्रता और उसकी आधी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, आधी रिपोर्ट लिखी गई, तो आप अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि जो ये बातें हो रही हैं ये इसके बारे में आपको कितना संज्ञान है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी बात हुई है, बताया जाए। जी, मेरा नाम दयानाथ वर्मा है, मैं सोशल वर्कर हूं और वार्ड क्रमांक 3 से मैं जिला पंचायत चुनाव लड़कर प्रत्याशी भी रहा हूं। तो निश्चित तौर पर जवा थाना की बात किया जाए गीतांजलि सिंह की, तो बिल्कुल मान मर्यादा प्रतिष्ठा से बिल्कुल परे रह करके और पत्रकार महोदय जी के साथ बड़ा अभद्रता हुआ और आम नागरिक के साथ अभद्रता से पेश आती हैं, सीधे गाली देकर भगा दिया जाता है, और जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि मतलब पत्रकार महोदय जी के साथ में, अन्य नागरिक के साथ में, तो FIR तो नहीं लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, गरीब प्रताड़ित हैं, बिल्कुल प्रताड़ित हैं, और निश्चित तौर पर SC ST वालों को बिल्कुल सीधा गाली देकर भगा दिया जाता है। मैं कई बार गया तो वहां पर मुझसे भी अभद्रता से बात किया गया, तो मतलब उस अभद्रता के शोषण का आप भी शिकार हैं? मैं भी शिकार हूं, कई बार मुझसे अभद्रता से बात किया गया, सम्मानजनक बात नहीं किया गया, असम्मानित शब्द का प्रयोग करके मुझे अपमानित किया गया है, हालांकि उसका मैंने उत्तर दिया है उनको, और अन्य लोगों के साथ में भी, अदर व्यक्ति के साथ में भी, SC ST वालों के साथ में भी जब कभी जाते हैं थाने तो उनको मारा जाता है, गाली देके भगा दिया जाता है, कई ऐसे संज्ञान हमारे सामने आया है, झलवा के केसेस ऐसे SC ST के लोग गए वहाँ, तो जैसा कि अभी संज्ञान में है, तो आप शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूं कि अभी बताना चाहूंगा, नीवा में एक सरपंच को जानलेवा हमला किया गया, उसमें बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें SP साहब आए, उस SP साहब से ये शिकायत किया गया कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से मैडम को हटाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब ऐसे जो पदाधिकारी हैं, जो थाना प्रभारी हैं, तो ऐसे प्रभारी को यहाँ से हटाना चाहिए, ये आपकी मांग है? बिल्कुल मांग है, उनको हटाना चाहिए। मैं SP साहब, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।